तुमने सबके सामने कहा, फिर कहो। कहा तो तुमने तो कहा था, सबके सामने कहो, कह दिया, फिर से कहो। I want to hear it again. Please, just once. क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा इशान? तभी तो कह रहा हूँ, सब देख लेंगे और मैं सबको कह दूंगा। उर्मी मेरे लिए गाना गाने के बाद मुझे किस करना चाहती थी और मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। रुको, हाथ छोड़ो। कहोगी पहले छोड़ो। छोड़ दिया। ईशान नहीं बोलेंगे। उर्मी प्लीज। सॉरी, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। बस हम हाँ, कितनी खुश हो रही हो हैं? इस लव शव के चक्कर में घर के काम ही भूल गई। नहीं मामी जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर बाहर मेहमानों को गुजिया और मिठाइयाँ चाहिए। जरा अंदर से ले आओ। जी मामी जी। हाय राम, कितनी सुंदर लग रही थी। ये सब गोरे होने का फायदा है, कैसा भी रंग लगा दो लेकिन शक्ल सुंदर ही लगेगी। एक मुझे देखो, लिपिपुती भूत लग रही होंगी। ये होली का त्योहार ना हम जैसे लोगों के लिए है ही नहीं, इन गोरी शक्लों वालों के लिए है ये। क्या बात है भाई लेडी लव। भैया छा गई है आप आज तो यार, एकदम से अचानक से लाइमलाइट में आ गई। बाय गॉड, यहां से निकली और मुंबई आके धूमकेतु बन गई। भाई धूम है आपकी तो भाई, धूम फोर। पूरी दुनिया के सामने खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर डाला, प्यार भरा गीत कर डाला। आज तक हमारे लिए तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। साला हैंडपंप की तरह हैंडल हिला हिला के थक गए, कुछ नहीं निकला। यहाँ बिना टूटी गई फुहारे निकल रहे हैं। अगर प्यार करने वाला हो ना सम्राट, तो उसके लिए बंजर जमीन पर भी धरती फाड़ कर नदियां निकल आती हैं। तुम्हारे लिए ऐसी दीवानगी कभी महसूस ही नहीं की हमने। तुम चुल्लू भर पानी के लायक भी नहीं थे हमारे लिए। अगर पूरी दुनिया की नदियां भी साथ मिल जाए ना, तो भी उसके प्यार की बराबरी नहीं कर सकता कोई। शाबाश, प्यार के पंछी, प्यार की नदियां, प्यार के पहाड़। बड़ा इतरा रही है अपने प्यार पे भाई, जैसे प्यार ना हो गया हो, हीरो की खदान मिल गई हो। तरस आता है हमें तुम पर सम्राट। प्यार मोहब्बत जैसी चीजों को समझने की शक्ति नहीं है तुम में। भगवान ने कितना गलत किया ना तुम्हारे साथ,
बिल्कुल अधूरा छोड़ दिया तुम्हें। डिफेक्टिव पीस, डिफेक्टिव पीस, डिफेक्टिव। तुमसे शादी करके हमने बहुत सारे सपने देखे थे, एक एक करके तुम्हारी बदतमीजी और तुम्हारी बेरुखियों ने उन्हें ऐसा मारा, पता ही नहीं चला कहां गए। निहायत ही घटिया कूड़ा किस्म के पति निकले हो तुम सम्राट सिंह राठौर। कंप्लीट लूजर, फ्लॉप शो, फ्लॉप शो, फ्लॉप शो। तुम्हें ये जानकर बहुत तकलीफ होगी सम्राट, पर आई एम सॉरी, ईशान ने हमारा वो हर सपना पूरा किया है जो तुमसे शादी करने के बाद हमने देखे। ईशान ने हमें वो हर कुछ दिया है जो तुम हमें नहीं दे पाए, और ईशान के लिए से एक बार तो क्या सम्राट सिंह राठौर, हजार बार भी अगर हमें अपने प्यार का, उनके सम्मान का इजहार करना पड़े तो भी करेंगे, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। बस कीजिए, मैडम जी, सियारा को अगर एक खरबूजा भी मिल जाए ना खाने के लिए, तो शहर के कोने में जाके पूरी रात हुआ हुआ करते हैं कि हमारा पेट भर गया है आज, और फिर उसी हुआ हुआ के चक्कर में अगली सुबह खाली पेट हो जाते हैं। और भाई आपकी हालत है, समझिए, आप ज्यादा बकवास मत क्या करिए, अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त करने की आदत डाल लो सम्राट सिंह राठौर, आदत डाल लो तुम, क्योंकि हमारे ईशान ने हमें वो सारी खुशियां दी है जिसे देख देख कर सुलग सुलग कर तुम्हारा ये 5 फुट 9 इंच का कद है वो सिर्फ 9 इंच का रह जाएगा, सिर्फ 9 इंच। होली में बड़ा मजा आया, नाच गाना और धमाल, खाना पीना और गुलाल, अरे बढ़िया होली थी, बढ़िया। नाम जी चाय। उर्मी तुम्हारा रंग नहीं उतरा अभी तक। नहीं मामा जी। अरे भाई ईशान के प्यार का रंग है, इतनी आसानी से कहाँ छूटेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने मामू। अरे भाई हमारे प्यार का रंग है, जब चढ़ता है तो इतनी जल्दी उतरता नहीं। भाई सच पूछो तो बहुत खुश है आज हम। आई वॉज वेरी श्योर के होली वाले दिन इन दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, और वही हुआ। उर्मी देखा तुमने बेटा, ईशान ने कहा था ना कि एक ना एक दिन वो तुम्हारा मन जरूर जीत लेगा। एंड टुडे ही हैज वन योर हार्ट, प्राउड ऑफ यू ईशान। और उर्मी बेटा दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी भी, जिस तरह आज तुमने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया, भाई वाह, मजा, इट वॉज रियली इंप्रेसिव। इसको कहते हैं सीना ठोक के। I'm so glad for both of you. God bless. पर जीजा जी, ये क्या बात हुई? शर्म और लिहाज भी कोई चीज होती है। आपको तो उल्टा नाराज होना चाहिए था। घर की बहू सबके सामने खुलेआम आई लव यू करती फिरे अच्छा लगता है क्या? तो क्या हुआ संध्या? इसने किसी और को थोड़ी आई लव यू कहा है, अपने पति से कहा है। और प्यार को एक्सप्रेस करने में कोई बुराई नहीं होती। सबके सामने लड़े तो ठीक है, तो अच्छा है, हाँ? लेकिन अगर सबके सामने प्यार करें या प्यार का इजहार करें तो बुरा हो गया, क्यों? बिल्कुल सही। नहीं नहीं, बोलो बोलो, आप चुप क्यों? मैं क्या बोलूं जीजा जी, काली हूं ना, इसलिए मेरी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो दड़ी जी क्या बात हुई मुझे बताइए, कैसा प्यार हुआ है? एक कमरे में तो रहते नहीं है, ऊपर से दुनिया के सामने इजहार हो रहा है, लव यू गाना गाया जा रहा है, बताओ यार ये क्या चक्कर हुआ? तो सोचने वाली बात है ना, मतलब आप देखिए तो सही, क्या क्या है ये?
ये तो दिखावे वाला प्यार हुआ, शो ऑफ। हाथी के दिखाने वाले दांत और क्या। बिल्कुल अपडेटेड नहीं रहते ना तुम सम्राट। अब जब पूरी दुनिया के सामने हमने ईशान के लिए अपने प्यार को इजहार कर ही लिया है तो कमरे भी एक हो ही गए हैं। मिट गई है बीच की सारी दुनिया। कल तक हम अलग अलग कमरों में रहते थे बट फ्रॉम टुडे वी आर टुगेदर। अरे वाह भाई, फिर तो ईशान और उर्मी का सबसे बड़ा दिन। हाँ, इसलिए तुम दोनों का कमरा मैं खुद डेकोरेट करूंगा अपने हाथ से। भाई ये दिन यादगार होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, फिर खुली बात रात फूलों की, ये है रात या बारात फूलों की। मतलब ऐसे ही कुछ होना चाहिए आज की रात, है ना ईशान? हाँ मामू बिल्कुल। पर आपको नहीं लगता ये काम मेरी बहन और मेरे प्यारे बहनोई जी को करना चाहिए? रस्म से तो यही बनता है, राइट? पर लगता है तानी सो गई है, थकी हुई है, ना जाने कब उठेगी। और सम्राट सम्राट से हो नहीं पाएगा, इसीलिए प्लीज डू दी ऑनर्स। Of course, definitely. जो धूप निकले छाया बन जाऊंगा, जो हो तो अकेली साया बन जाऊंगा, जो जन में हो मन मैं बहलाऊं। बहुत सुंदर लग रही हो, उतनी जितनी कभी नहीं लगी।
इतना सुंदर किसने बनाया मेरी उर्मी को? मैं बताऊं, मेरे प्यार में प्यार ने चार चांद लगा दिए तुम्हारी खूबसूरती, है ना? सच कह रहे हो शाम, तुमने इस अधूरी उर्मी को अपने प्यार से पूरा कर दिया। उर्मी, खुश होना मेरे साथ। बहुत खुश अच्छा, हमने जो तुम्हारा दिल दुखाया। अब से कोई पुरानी बात नहीं, ना गुस्सा, ना झगड़ा, ना टकराव, Sinha? Yes, speaking. You're the owner of the Only Place restaurant? Ji, Holi. I'm Inspector Rana. Just hold on for one second. Ji, kahiye, kya baat? Aapko abhi aur isi waqt aapke hotel aana hai. You inspector, work here, what's the problem? जो भी है आकर पता चल जाएगा। आप फौरन यहाँ आ जाइए, वरना आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैसे लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? हेलो, ओफो, मुझे तो फौरन जाना होगा। उर्मी को बताऊंगा तो टेंशन लेगी बेवजह, उसे बिना बताए जाता। जरूरी काम आ गया है मुझे, कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बोलो के? हाँ, बोलो के, तुम टेंशन मत लो, वो एक फ्रेंड का कॉल आया तो प्रॉब्लम में है, इट्स अ बिट अर्जेंट। प्रॉब्लम है तो हम भी साथ में चलें शांत। नहीं नहीं नहीं, यहीं रुको और इंतजार करो मेरा, आई विल बी बैक सून। एंड सॉरी कि हमारे सुहागरात वाले दिन में नहीं, सुहागरात वाली रात में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, बट मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी आना। आ जाऊंगा। उर्मी, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। गुप चुप गुप चुप गुप चुप गुप चुप गुप चुप गुप